फिल्म और टेलीविजन में अपनी खास पहचान बना चुकी सुरेखा सीकरी ने 73 साल की उम्र में अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। सुरेखा सीकरी को ये अवार्ड बधाई हो फिल्म के लिए मिला है। इस फिल्म में इन्होंने दादी का किरदार निभाया है। सुरेखा सीकरी को टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में 41 साल हो गए हैं। सुरेखा सीकरी को 2 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली की पूर्व संध्या पर 2 हिंदू नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर जबरन उन्हें इस्लाम स्वीकार करवाने की खबरों को लेकर पाकिस्तान में भारत के दूत से जानकारी मांगी है। उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त से इस मामले पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। घटना को लेकर कराची के पाकिस्तान हिंदू सेवा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष संजेश धंजा ने बताया था कि 2 बहनें 13 साल की रवीना और 15 साल की रीना की कथित तौर पर अपहरण करके शादी के बाद उन्हें इस्लाम कबूल करा दिया गया था। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों के सड़क पर उतरने के बाद भी पुलिस ने केवल FIR दर्ज की और आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसकी जाँच के आदेश दिए हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो या रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार, वादे अनेक पर जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आता। आम जनता सालों अपनी परेशानियों से जूझती रहती है। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं। नेता जिस टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हैं और जनता को ये वादा करते हैं कि आते ही सड़क को दुरुस्त कर देंगे, यही हाल रियासत जम्मू कश्मीर का है। कश्मीर घाटी के गांधरबल जिले के कुराग शाहपुरा सड़क का हाल अपनी बेहद खराब स्थिति के लिए आंसू बह रहा है। सालों से इस सड़क को मैकेनाइज नहीं किया गया। पूरे रास्ते बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। स्कूली बच्चों बुजुर्गों का चलना मुश्किल हो गया है। बरसात के दिनों स्थिति और खराब हो जाती है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत करवाई जाए। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों बुजुर्गों और अस्पताल जाने वाले मरीजों के बारे में सोचकर उचित कदम उठाएंगे और सालों से अपनी मांगों को लेकर इस इलाके के लोगों को राहत पहुंचाएंगे। पाकिस्तान कभी राजौरी तो कभी पुंछ में लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता आ रहा है। अब वो गोलाबारी के साथ मोर्टार और तोपे दाग रहा है। उसका निशाना भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाके भी हैं। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को जारी रखते हुए राजौरी के डिंग कलाल एरिया के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ काफी रोष है। लोगों का कहना है कि सरकार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि पाकिस्तान की पुश्तें याद करें। साथ ही लोगों ने गुहार लगाई है कि बंकर अभी तक नहीं बनाए गए हैं। पाकिस्तान सुधरने वाला देश नहीं है, ये कभी भी सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान को सरकार हमारी ऐसे सबक सिखाए कि ताकि पाकिस्तान की आने वाली ये जो नस्लें हैं वो भी याद रखें कि हिंदुस्तान के साथ जब जब भी पाकिस्तान ने पंगा लिया लेकिन मुंह की खाड़ी पड़ी है पाकिस्तान को। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब किसान भुखमरी की कगार पर था तब ये हितैषी कहाँ थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है तो हमने पेंडिंग 57,800 करोड़ का गन्ना का बकाया भुगतान किया है। ये रकम कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। पिछली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकारों ने गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जिससे किसान भूखमरी का शिकार हो रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सभी 51 सदस्यों के साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल होने जा रहे हैं। ज्ञात हो अयोध्या विवाद को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। इस मामले में सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्यस्थता की कोशिशों के बीच सहमति की मुहिम चल रही है। पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट वर्तमान लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। शाह फैजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी का गठन किया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो वोट काटने के लिए चुनाव में उतर सकते हैं। पिछले दिनों पार्टी की कोर ग्रुप की कई बैठकें हुई। इसमें तय किया गया कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ने का मुख्य कारण जनसंपर्क कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।
दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर इन दिनों कई पर्वतारोहियों की शव मिल रहे हैं। ऐसा तापमान बढ़ने के कारण पिघलते ग्लेशियर और बर्फ के चलते हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1922 के बाद से यहां करीब 200 पर्वतारोहियों की मौत तूफान आदि के कारण हुई थी। अध्ययन के मुताबिक एवरेस्ट के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है। इस परेशानी से निपटने के लिए हम जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, केवल भारत माता की जय या जय ही बोलना राष्ट्रवाद नहीं है, सबके लिए जय हो ये राष्ट्रवाद है। अगर आप धर्म, जाति, शहरी ग्रामीण विभाजन के आधार पर लोगों से भेदभाव करते हैं तो आप भारत माता की जय हो नहीं कह सकते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव लंबे समय से अपेक्षित है, हमें पूरी तरह से इस मानसिकता को खत्म करना चाहिए। छात्रों के बीच वास्तविक इतिहास, प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विरासत और राष्ट्रवाद के मूल्यों को सिखाना चाहिए। भगोड़े शराबी कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने फेरा उल्लंघन मामले में माल्या की बेंगलुरु स्थित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेंगलुरु पुलिस को 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनाई तक इन संपत्तियों को कुर्क करने को कहा है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार दूसरे दिन को नापाक हरकत को जारी रखते हुए पुंछ जिले के शाहपुर और किरणी सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार और तोपों से सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस बीच एक भारतीय सेना के जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। बारामूला जिले के सोपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ समाप्त हो गई है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद के अलावा 2 AK-47 राइफल्स, 3 ग्रेनेड व मैगजीन बरामद किए हैं। यहां पर जैश के 2 आतंकी मारे गए थे, जिसमें से एक स्थानीय तो दूसरा आतंकी पाकिस्तानी था। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल और टीवी चैनल के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 19 मई को शाम से पहले नहीं दिखाए जा सकते। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी, केबल, वेबसाइट किसी भी चरण के मतदान से 48 घंटे पहले कुछ भी ऐसा ना दिखाएं जो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में विचार या अपील ना हो। पैनलिस्ट ऐसा संवाद नहीं करेंगे जो किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की छवि को प्रभावित करता है।